मैं तो खाली आम आदमी का, मैं किसी पार्टी का, कांग्रेस और भाजपा तो सख्त खिलाफ हूँ मैं। ऐसा क्यों? क्या मिला है देश को? कुछ मिला नहीं मिला। इस मारा खिलाफ कांग्रेस ने तो दिया भी था रोजगार, जब आजाद हुआ था देश, चलो खुला था देश, सस्ता भी था। भाजपा ने तो वो भी ले लिया, हलक में से भी काट लिया। सरकार जो कहती है आत्मनिर्भर बना रहे हैं, वो करवा रहे हैं, भाई हम लोग लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं जो नए नए युवा हैं, रोजगार दे रहे हैं उनको, तो आप कैसे देखते हैं उसको? कुछ नहीं कर रही है सरकार। जितने भी पढ़े लिखे हैं सब बेरोजगार है, जो बेरोजगार है वो तो है ही, पढ़े लिखे भी रोजगार है बेरोजगार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ हेमंत। हम लोग गांव-गांव जाकर देख रहे हैं भाई, 2022 के चुनाव नज़दीक हैं और पार्टियां एकदम मुखर हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। हम लोग आज उसी विषय में पहुंचे हैं, खानपुर विधानसभा के भंगेड़ी गाँव। तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे लोगों से, कौन सी पार्टी है जिसका दबदबा यहाँ पर रहने वाला है 2022 में, और किस तरह की स्थितियाँ रहेंगी और किस तरह का विकास यहाँ पर हुआ है। हम लोगों ने लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के निवासी हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुस्तफ़ा। अच्छा मुस्तफ़ा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल में हमारे। कौन सी पार्टी का यहाँ पे दबदबा रहने वाला है इस क्षेत्र में, इस गांव में, मतलब कौन सी पार्टी को पसंद किया जाता है? मिला जुला। अच्छा हाँ, कैसे? बाहर किस्म की अपने अपने वो हो ना। अच्छा हाँ, तो कौन सी पार्टी का यहाँ पे दबदबा है, मतलब आपके हिसाब से मिला जुला आप कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं आप ऐसा भाई? कांग्रेस कहें या बीजेपी कहें या आम आदमी कहें, ऐसा क्यों? मैं तो खाली आम आदमी का, मैं किसी पार्टी का, कांग्रेस और भाजपा तो सख्त खिलाफ हूँ मैं। ऐसा क्यों? क्या मिला है देश को? क्या मिला है देश को? कुछ मिला नहीं मिला। इस मारा खिलाफ ऐसा क्यों, मतलब खुल के बताइए थोड़ा सा कि भाई कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ दिया नहीं, तो आप बताइए कि भाई क्या नहीं मिला, क्योंकि वहाँ देखिए और क्या मिला है, यहाँ बताओ, आप बता दो क्या विकास हुआ देश का, क्या विकास हुआ, कुछ हुआ? क्या नहीं हुआ, क्या कुछ हुआ यहाँ, क्या कुछ हुआ बता। देखिए हम इतने बड़े बड़े, सुनो तो बात सुनो मेरी, सुनो हम वो क्या नाम ये बताता हूँ आपको, आप ही दे दियो जवाब। इसके बाद हुआ था वो सौरा जापान, इसके बाद हुआ था ना आजाद, वो कहाँ पहुँच गए, वो कहाँ शिवा बेमानने के कुछ भी नहीं यहाँ से, और क्या बताओ शिवा। टीवी पे इतने बड़े बड़े भाषण सुनते हैं नेताओं के, टीवी के नेताओं के वह झूठ नहीं, हमारे सारे भाषणों वालों को झूठ नहीं बता रहे, न्यूज चैनल फलाना चैनल ढिमका चैनल, ये लोकल चैनल ही तो सही बोल रहे, जैसे आप सही बोल रहे नहीं, कहाँ सही बोल रहे जो पैसा ले रहे, बताओ कहाँ बोल रहे सही। अच्छा बाबा, इतनी एज आपकी हो गई है, तो इतनी एज में क्या क्या चीज़ें आपने बदलती हुई देखी? एज का क्या पता था, हम अपना कमाना था खाना था, एज का तो पता चला हम। अच्छा हाँ, अच्छा। क्या कहाँ से दुनिया, अन्य हमें क्या पता था कहाँ दुनिया। अच्छा। अपना कमाना था खाना था, इब टाली हुई टीवी आई मोबाइल आया, उसको देख पता चला भाई कहाँ दुनिया में क्या हो रहा। अच्छा। इस कमाने खाने में क्या जिंदगी बदली, कुछ बदला सरकार ने? तो और लुटे सरकार ने, कुछ क्या बदल के दिया। अच्छा। सरकार तो और जो जिसम खून उसे भी खा जा। अच्छा। सरकार ने क्या दिया, कोई सी सरकार हो बीजेपी, कोई सी सरकार हो, लुटे रहे। अच्छा। हाँ कहाँ तरक्की करी सरकार ने, सरकार ने किस चीज की तरक्की करी यहाँ देश में, सिवा लूट रखाने से बताओ क्या करा, कुछ नहीं कराया। क्या क्या दिक्कतें आपको लगती हैं भाई, रोड इतनी बढ़िया दिक्कत नहीं, जिसकी जान पैदा करी हुई वो दे, रोड को क्या कहो, रोड का साला खाने को दे, रोड का खाने को दे, तरक्की तो बहुत है, खुशहाली आओ मुल्क में कुछ आई खुशहाली, सिवा गरीबी के दिन पर दिन गरीबी और क्या आया, कुछ नहीं आया। अरे राशन को दे क्यों, दिहाड़ी दे मजदूरी दे, राशन की गांठ मार, राशन तो बंद होना चाहिए, नकारा कर दिया राशन ने तो। अच्छा, तो जो कह रहे राशन जो बटता है उसको बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, आप कमा कर खाओ। हाँ।
अपने मेहनत का, अपने मेहनत का कमा कर खाओ। राशन से क्या मतलब, राशन तो बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा रोजगार मिलना चाहिए भाई, राशन आप बंद कर दो लेकिन रोजगार आप पैदा करो। हाँ रोज, हाँ ठीक है। और हमारे साथ सर मौजूद है जी, आप क्या कह रहे थे? वही कह रहा था मैं तो, रोजगार मिलना चाहिए। जो गरीब आदमी घर में कोई भी नौकर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्या रोजी किसने, कौन सी सरकार ने दिया बताओ, रोजी दिया किसी ने? कांग्रेस ने तो कुछ दिया भी, भाजपा ने तो दिया भी, कांग्रेस ये सारा मोहल्ला नौकरी पर, कांग्रेस ने तो दिया भी था रोजगार। हाँ। जब आजाद हुआ था देश, चलो खुला था देश, सब कुछ सस्ता भी था, भाजपा ने तो वो भी ले लिया, अलग मजे भी काट लिया। हाँ भाई वही कह रहे थे मैं तो भाई, रोजगार नहीं। ये जो कह रहे भाई राशन बंद होना चाहिए, रोजगार आप उपलब्ध, सारे गड़बड़ है राशन में भी, किसी को तो 10 किलो मिल रहा है, किसी को 2 ही किलो मिल रहा है, ये क्या होता है 10 किलो या 2 किलो क्यों दे रहे हैं, क्यों खा रहे हैं राशन लोग? अब की नस्ल एक नहीं, नौकर मंदिर तक सारे नौकर, यहाँ से लेकर ना वहाँ तक मंदिर तक, प्रति घर दो दो नौकर थे, एक भी नहीं आया, बच्चे भी धक्के खाते फिर रहे। हाँ यहाँ से सरकार अभी जो भाजपा की वो कह रही है हमने आत्मनिर्भर बना रहे हैं, कौन सरकार कह रही है? कार तो, और जो खून इसमें शरीर में खून है उसे भी काटना सोच रही। अच्छा हाँ सरकार बना रही निर्भर। अच्छा सरकार के बस में तो रोटी भी छीन ले। अच्छा हाँ मोदी जी इतना भाषण अभी दे रहे हैं, मोदी भाषण वो दे रहे होंगे, भाषण के अलावा और क्या करा सिवा झूठ बोलने के मोदी ने। अच्छा हाँ इनकी राय है, उनसे भी जान लेते हैं जी। आप भी कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे हम, कुछ नहीं, हम भी पेंशन वाले। अच्छा हाँ चल रहा है, मिल रहा है, बढ़िया गुजारा हो रहा है, बढ़िया गुजारा हो रहा है। हाँ चलिए पेंशन का फायदा हो रहा है मतलब। हाँ तो सरकार की तरफ से योजनाएं आ रही है, मिल रही हैं आपको? कैसी योजना बेटे? पेंशन की स्कीम जो है, पेंशन स्कीम सब कुछ नहीं, मेरे तो सरकारी पेंशन है, सरकारी पेंशन गवर्नमेंट है आप। चलिए सर से बात कर लेते हैं जी। सर क्या कहेंगे आप, इस विधानसभा का किस तरह की स्थिति रहने वाली है इस गाँव की? मेरा कहना कुछ नहीं है, बस इसके भाजपा ने तो लोगों को डुबो दिए कतई, भाजपा ने लोगों को खत्म कर दिए। अच्छा ये लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन लगा कर खत्म कर दिए बिल्कुल। अच्छा महंगाई डबल होगी। 2022 में आप कैसे देख रहे हैं भाई इस क्षेत्र में से क्या क्या होने वाला है? बस ये पता कुछ नहीं क्या होने वाला, पता नहीं ना, कुछ नहीं पता है लोग। आप क्या कह रहे हैं जी? हम तो ये कह रहे जी कि मगर महंगाई डबल होगी, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, मजदूरी है नहीं कहीं भी, तो पब्लिक तो परेशान है जी। अच्छा तो सरकार कुछ करती नहीं? सरकार कह रही कि भाई अभी महंगाई कम है जो सरकार है, तो आप कैसे देखते हैं आम आदमी होने के नाते? तो बहुत है, डबल होगी, 2 साल में डबल होगी पेट्रोल। 2022 में इसका कुछ असर पड़ेगा भाई सरकार में? सरकार बदलेगी या फिर कैसे होगा? अभी तो टाइम बतावे जी, फिर जैसी हवा चलती है वैसा ही हो जाओ पब्लिक जो है ना। ऐसे क्यों, जैसी हवा चलती है, मुद्दे तो इतने सारे होते हैं, फिर हवा कैसे चल जाती है? बस चल जाती है, कुदरती निजाम है, कोई नहीं रोक सकता। कैसे एग्जांपल हमें दीजिए, कुछ उदाहरण दीजिए कि भाई हवा कि इतने सारे मुद्दे होने के बाद हवा पलट जाती है। महंगाई का मुद्दा है, महंगाई के मुद्दे पर तो सब कोई फेल है, रोजगार नहीं है किसी का भी। अच्छा सारे लोग परेशान है। अच्छा क्या कह रही आंटी जी? मगर रोजगार से बच्चे घर बैठे, हम ही तो अपना हमारा ही तो गुजारा हो रहा है, बच्चे तो जो घर बारी बच्चे जो बिना नौकरी के वो तो घर बैठे 2 साल हो जाएंगे करीबान होते। अच्छा बेटे वो तो घर ही बैठे। सरकारें जो कहती हैं, आप तो गवर्नमेंट में कह रही हैं मेरी सरकारी पेंशन है। हाँ, मेरे तो अच्छा पेंशन है बेटा। जानना चाहता हूँ भाई, सरकार कह रही है कि हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं लोगों को, तो वो उसको कैसे आप देखते हो? आपने सुना है आत्मनिर्भर बना रहे हैं लोगों को, बिजनेस के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? पता नहीं बेटा हमारे को तो दिखे। अच्छा बच्चे जो इतना कह रही हैं आप, क्यों कह रही हैं मतलब ऐसा कि भाई रोज तुम्हारे खाली फिर हाँ बताइए। अच्छा हाँ मेरे दो लड़के हैं, दोनों खाली फिर। अच्छा। आगे पोते भी जवान हो रहे हैं, मैं भी ऐसा ही पढ़ लिखा खाली फिर रहे। अच्छा रोजगार की स्थिति नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं है। चलो ठीक, रोजगार को लेकर भाई ये कह रहे हैं कि भाई ये स्थिति अभी बनी हुई है और सरकार से इन्हें जी जी बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं सर? मेन समस्या हमारे रास्ते की, यहाँ पे आर्मी ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, बीजेपी की सरकार है, कोई एम तो खुला हुआ है सर, वो खुला हुआ है। अरे खुला ये बंद तो खुला हुआ है, वो खुला हुआ है, वो तो कह रहे थे कोविड के समय पे। कोई कोविड नहीं है, ये तो खाली इनका बहाना है, ये करीब 2 साल हो गए बंद किया हुआ है रास्ता, धनेर स्टेशन वाला।
हम लोग यहाँ से अगर स्टेशन जाते हैं तो पूरी रुड़की का चक्कर काट के जाते हैं। अच्छा, वो तो खैर बातचीत अभी चल रही थी क्योंकि हम आए थे तो कह रहे थे बातचीत चल रही है उस विषय में भी उसको लेकर। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं इसको कैसे देख रहे हैं आप, 2022 का जो चुनाव है अभी आएगा और यहाँ की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ की स्थिति को देख रहे हैं, जो हमारे रास्ते खुलवाएगा वो यहाँ से जीत के जाएगा। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये प्रॉमिस है। बाकी और क्या मुद्दे रहने वाले हैं 2022? तो और बहुत हैं, बेरोजगारी है और बहुत सारे मुद्दे हैं। अच्छा, सरकार जो कहती है आत्मनिर्भर बना रहे हैं, वो करवा रहे हैं, भाई हम लोग लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं जो नए नए युवा हैं, रोजगार दे रहे हैं उनको, तो आप कैसे देखते हैं उसको? कुछ नहीं कर रही है सरकार, जितने भी पढ़े लिखे हैं सब बेरोजगार है, जो बेरोजगार है वो तो है ही, पढ़े लिखे भी रोजगार है, बेरोजगार है। यहाँ पे कोई साधन नहीं है रोजगारी का। 2022 में क्या होगा, किस तरीके से देख रहे हैं भाई, कौन सी पार्टी बदलेगी? जो जिसकी किस्मत होगी वो देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन मुद्दे यही है यहाँ से तो हो सकता है चुनाव का बहिष्कार भी हो सकता है। अच्छा, इस गांव से। चलिए, यहाँ के लोगों से हमने जानकारी ले ली और भी हम लोग जाएंगे इस क्षेत्र के किसी ना किसी हिस्से में और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भाई मुद्दे बहुत अहम है, बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा कह रहे हैं भाई, महंगाई को भी कह रहे हैं कि भाई बड़ा मुद्दा है, इसको कंसिडर करना चाहिए, सरकारों को देखना चाहिए और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे कि भाई लोगों की राय क्या है 2022 के चुनाव को लेकर। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी जय, बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।